हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा उपाध्याय हैंडीक्राफ्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कलरफुल उल का स्वेटर लाई हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने बचे हुए उल से स्वेटर बनाया है, पर मैंने बहुत सारे कलर यूज़ किए हैं स्वेटर में। और पीछे में देखिए, पीछे मैंने ग्राफ नहीं बनाया है, यहाँ पर आगे में मैंने ग्राफ बनाया। और देखिए इसका मेजरमेंट देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स बॉर्डर के लिए, देखिए बॉर्डर के लिए मैंने 80 फंदे लिए हैं और इसे मैंने 10 नंबर की सिलाई पर बुना है और ऊपर मैंने 8 नंबर की सिलाई यूज़ की है। ऊपर में 6 फंदे बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए आर्म होल की घटाई, यहाँ पर मैंने 3-2-1 दोनों साइड से घटाया है। शोल्डर पर 14-14 फंदे रहेंगे। यहाँ पर बीच में बटन पट्टी के लिए मैंने देखिए 6 फंदे घटाए हैं। पर थोड़ा सा मैंने देखिए यहाँ पर मैंने इसका लुक कोट गला दिया है और बीच में मैंने थोड़ा सा सिर्फ बीच में एक ही साथ 5 फंदे मैंने घटा दिए हैं। और यहाँ पर देखिए आर्म होल के लिए मैंने 160 फंदे लिए हैं दोनों साइड से, टोटल 80-80 फंदे। और गले के लिए देखिए, गले के लिए आगे में मैंने 50-50 फंदे लिए हैं और पीछे में 60 फंदे लिए हैं। गले का बॉर्डर 16 सिलाई का है। गला और आर्म होल का वीडियो मेरे चैनल पर है, आप उसे देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इसकी लंबाई, देखिए 20 and 21.5 इंच है। बॉर्डर की लंबाई देखिए, बॉर्डर की लंबाई यहाँ पर 1.5 इंच है। अब यहाँ पर देखिए आर्म होल तक 15.5 इंच रहेगा। और यहाँ पर बटन पट्टी देखिए, बटन पट्टी यहाँ पर 1 इंच रहेगा। और गले की लंबाई देखिए, गला 1 इंच रहेगा और यहाँ पर आर्म होल भी 1 इंच ही रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए कलरफुल उल लिया है मैंने, तो यहाँ पर देखिए एक फंदा यहाँ पर 1 फंदा ऑफ वाइट और 1 फंदा रेड, ऐसे करते हुए यहाँ पर मैंने नीचे में रेड कलर चेंज किया है। और यहाँ पर ये देखिए 1, 2, 3 and 4, यहाँ पर ये 4 सिलाई बुनना है। ऐसे ही 1 फंदा रेड और 1 फंदा ऑफ वाइट, ऐसे करके यहाँ पर 4 सिलाई बुनना है। उसके बाद यहाँ पर 1 सिलाई बुनने के बाद ग्राफ देना है, फिर 1 सिलाई बुनने के बाद ये 4 फंदा यहाँ पर कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ले लेना है ताकि पता नहीं चले कि यहाँ पर मैंने बचे हुए उल से बनाया है। और पीछे में भी ऐसे ही बनेगा, पीछे में भी मैंने ऐसे किया है। और पीछे में ग्राफ नहीं दिया है मैंने, आप चाहे तो दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने पेज पर ग्राफ बना लिया है। देखिए ये यहाँ पर एक फ्लावर मैं आपको बताऊंगी ग्राफ बनाकर। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 फंदों का एक ग्राफ रहेगा। और यहाँ पर गैप नहीं लेना है, इसी के साथ फिर दूसरा ग्राफ स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सिलाइयों का ग्राफ रहेगा और 13 फंदों का रहेगा। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 15 फंदे लिए हैं, वाइट और ग्रीन उल लिया है। यहाँ पर एक एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा लिया है दोनों साइड से। पहले एक फंदा मैं वाइट से बुन लूँगी, उसके बाद यहाँ पर ग्राफ स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर 7 फंदे ग्रीन से बुनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फंदा वाइट रहेगा। 1, 2, 3, 4 and 5 फिर यहाँ पर 1 फंदा ग्रीन रहेगा, फिर यहाँ पर 1 फंदा वाइट रहेगा। और पीछे से देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सेकंड सिलाई पीछे से, यहाँ पर एक फंदा वाइट, फिर यहाँ पर 2 फंदा ग्रीन, फिर यहाँ पर 4 फंदा वाइट, 2, 3 and 4 फिर यहाँ पर
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पर सिक्स फंदा ग्रीन, फिर यहाँ पर टू फंदा वाइट। और आगे से देखिए थर्ड सिलाई, थर्ड सिलाई में यहाँ पर टू एंड थ्री फंदा वाइट, फिर यहाँ पर वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फिर यहाँ पर वन टू एंड थ्री, फिर देखिए यहाँ पर थ्री फंदा ग्रीन, वन फंदा वाइट। फोर्थ लाइन में देखिए ये ग्राफ बहुत इजी है, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। अब देखिए यहाँ पर वन फंदा वाइट, फिर यहाँ पर वन टू थ्री एंड फोर, यहाँ पर फोर फंदा ग्रीन, फिर यहाँ पर टू फंदा वाइट, फिर देखिए यहाँ पर वन टू थ्री एंड फोर फंदा ग्रीन, फिर वन टू थ्री एंड फोर फंदा वाइट। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फिफ्थ लाइन में वन टू थ्री फोर एंड फाइव, यहाँ पर फाइव फंदा वाइट, फिर यहाँ पर वन टू एंड थ्री, यहाँ पर थ्री फंदा ग्रीन, वन फंदा वाइट, फिर यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव फंदा ग्रीन, फिर यहाँ पर वन फंदा वाइट। अब देखिए सिक्स लाइन है पीछे से, यहाँ पर वन फंदा वाइट और यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट फंदा ग्रीन, फिर यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स फंदा वाइट। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, यहाँ पर सेवन फंदा वाइट, फिर यहाँ पर वन फंदा ग्रीन, फिर यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन फंदा वाइट। अब देखिए पीछे से वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स फंदा वाइट, और ये जो वाइट है इसे भी ग्रीन करना है। वन टू थ्री, देखिए थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ पर एट फंदा ग्रीन होगा, फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, फिर वन फंदा वाइट। अब देखिए आगे से यहाँ पर वन फंदा वाइट, फिर यहाँ पर वन टू थ्री फोर एंड फाइव फंदा ग्रीन, फिर यहाँ पर वन फंदा वाइट एंड यहाँ पर थ्री फंदा ग्रीन, फिर यहाँ पर वन टू थ्री फोर एंड फाइव, यहाँ पर फाइव फंदे वाइट। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर वन टू थ्री फोर, यहाँ पर फोर फंदा वाइट, फिर यहाँ पर वन टू थ्री एंड फोर, यहाँ पर फोर फंदा ग्रीन। अब देखिए यहाँ पर वन एंड टू, यहाँ पर टू फंदा देखिए वाइट, फिर यहाँ पर फोर फंदा ग्रीन, टू थ्री एंड फोर, फिर यहाँ पर वन फंदा वाइट। अब देखिए
वन फंदा व्हाइट, यहाँ पर थ्री फंदा ग्रीन, फिर वन फंदा टू थ्री, यहाँ पर देखिए थ्री फंदा व्हाइट, फिर यहाँ पर वन टू थ्री फोर एंड फाइव, यहाँ पर फाइव फंदा ग्रीन, फिर थ्री फंदा व्हाइट। अब देखिए पीछे से, यहाँ पर वन टू, यहाँ पर टू फंदा व्हाइट, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पर सिक्स फंदा ग्रीन, फिर यहाँ पर फोर फंदा व्हाइट, अब टू फंदा यहाँ पर ग्रीन होगा, फिर वन फंदा व्हाइट। फिर अब देखिए यहाँ पर वन फंदा व्हाइट, वन फंदा ग्रीन, और फिर यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पर फाइव फंदा व्हाइट, फिर यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, यहाँ पर सेवन फंदा ग्रीन, ये लास्ट सिलाई है, और वन फंदा व्हाइट। उसके बाद सारे फंदे व्हाइट से बुनने के बाद ग्राफ क्लियर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ग्राफ क्लियर हो गया है। देखिए यहाँ पर ऐसे ही ये बनेगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने यहाँ पर कलरफुल फूल में बनाया है, अगर आप चाहें तो इसे टू कलर्स में बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगेगा टू कलर्स में भी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड्स।